नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम सभा में। और आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आफ स्पा एक्ट है उसके बारे में, जिसको डिटेल में बोलते हैं आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958। तो काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारा चैनल एग्जाम सभा, जहाँ पर आपको हर तरह के गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ अगर आप इसी तरह के और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है उन पर क्लिक करके दूसरी वीडियोस को देख पाएंगे। उसके अलावा आप अगर आप हमारे चैनल एग्जाम सभा को विजिट करेंगे तो वहाँ पे कई सारे प्लेलिस्ट और वीडियोस पहले से अवेलेबल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे मेरे बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो जो आपका आफ्पा एक्ट है, जिसको बोलते हैं द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ये जो है आपका 1958 में पास किया गया एक एक्ट था। चलिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं यहाँ पे आपके लिए। द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स बिल वाज पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट वाज अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द सितंबर 11, 1958। 1958 में ये जो है आपका बिल दोनों हाउस के द्वारा पास किया जाता है और फिर प्रेसिडेंट इसको जो है असेंट करते हैं। तो उसके बाद ये एक्ट बन जाता है और इट बिकम नोन एज द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जिसको शॉर्ट में आफ स्पा बोलते हैं। और ये जो आपका 1958 में पास हुआ था, तो इसीलिए इसको जो है 1958 के एक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। अब देखते हैं इसमें प्रोविजन क्या क्या है, यानी कि इसका मेन पर्पज क्या है। द एक्ट केम इन टू फोर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्रीजिंग वायलेंस इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट डिकेड एगो। जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंडिया जब स्टार्ट हुआ तो उसमें काफ़ी सारे जो है आपके जो है अलग अलग स्टेट थे, कई सारे वहाँ पे जो है एंटिटीज थी और सभी चाहते थे कि वो अपना एक जो है इंडिपेंडेंट स्टेट या कंट्री बना लें। तो जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट थे वो काफ़ी अलग थे हम लोगों से, क्योंकि उनका जो कल्चर है, उनका जो लैंग्वेज है, काफ़ी अलग है। तो जब इंडिया आज़ाद होता है तो उस टाइम जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं वहाँ पे काफ़ी डिमांड चलती है कि उनको जो है इंडिपेंडेंस चाहिए। तो इसी को डील करने के लिए, जो वहाँ पे वायलेंस बढ़ गया था उसको डील करने के लिए, जो इंडियन पार्लियामेंट है उसने 1958 में एक्ट पास किया था। और इसका जो मेन पर्पज था, जो आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पे जो वायलेंस है कम करना, और ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, जो स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत ही डिफिकल्टी फेस की थी, तो उनको भी एक तरीके से हेल्प करना था। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो द आफ्सपा गिव्स आर्म फोर्सेस द पावर टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरिया। तो एक एरिया का नाम आपको यहाँ पे दिया गया है, स्पेशल नाम दिया गया है, जिसको बोलते हैं डिस्टर्ब्ड एरिया। तो जो भी डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किए जाएंगे वहाँ पे जो आर्म्ड फोर्सेज होंगी उनको स्पेशल पावर दी जाती है, ताकि वो वहाँ का जो पब्लिक ऑर्डर है उसको मेंटेन करके रख सकें। वहाँ पे कोई वायलेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको कम करने के लिए उनको स्पेशल पावर दी गई थी। और इसके साथ ही साथ दे हैव द अथॉरिटी टू प्रोहिबिट अ गैदरिंग ऑफ 5 or more persons इन एन एरिया। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में अगर आफ्पा लगाया जाता है तो वहाँ पे 5 या उससे ज़्यादा जो है लोग इकट्ठा नहीं हो सकते एक जगह पे, यानी कि 5 से ज़्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। यानी कि जो राइट टू असेंबली है उसका एक तरह से जो है उसको एक तरह से ख़त्म कर दिया जाता है। इसके साथ ही साथ कैन यूज फोर्स और इवन ओपन फायर आफ्टर गिविंग ड्यू वार्निंग इफ दे फील अ पर्सन इज इन कंट्रावेंशन ऑफ लॉ। तो मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन जो है किसी लॉ को तोड़ता है, जो पार्लियामेंट का हो सकता है या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो सकता है, तो उस पर जो है फायर करने का आदेश भी जो है होता है, यानी कि फायर करने की परमिशन भी होती है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, कि जो डिस्टर्ब्ड एरिया जो डिक्लेयर किए जाते हैं वहाँ पे जो है आर्म्ड फोर्सेस को अनलिमिटेड पावर मिल जाती है, तो वो चाहे तो किसी को जो है गोली तक मार सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। उसके साथ ही साथ अगर आर्मी चाहे तो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट भी कर सकती है बिना किसी वारंट के। इसके साथ ही साथ किसी आर्मी को सर्च करने के लिए भी जो है वारंट इश्यू किए जा सकते हैं, बिना किसी वारंट के भी किसी आर्मी को सर्च किया जा सकता है। उसके अलावा जो बैन द पोजीशन ऑफ फायर आर्म, यानी कि कोई अगर फायर आर्म रखता है तो उस पर भी जो है कार्यवाही की जा सकती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं।
तो हमने बात किया कि जो आपका आफ्सपा एक्ट है वो 1958 का एक्ट है और उसमें एक डिस्टर्ब एरिया डिफाइन किया गया है। तो चलिए जान लेते हैं कि डिस्टर्ब एरिया क्या होता है। और डिस्टर्ब एरिया इज वन विच इज डिक्लेयर्ड बाय द नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 3 ऑफ द आफ्सपा। तो इस एक्ट के अंदर जो सेक्शन 3 है उसके अंदर डिस्टर्ब एरिया को डिफाइन किया गया है। इट कैन बी इन्वोक्ड इन प्लेसेस वेयर द यूज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इन एड ऑफ द सिविल पावर इज नेसेसरी। तो आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर दिया जाता है जिससे वो वहाँ की सिविल पावर जो है उसको हेल्प कर पाए। एन एरिया कैन बी डिस्टर्ब ड्यू टू डिफरेंसेस और डिस्प्यूट बिटवीन द मेंबर ऑफ डिफरेंट रिलीजियस रेशियल लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप और कास्ट और कम्युनिटीज। तो जब किसी जगह पे बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप रेशियल ग्रुप या फिर लैंग्वेज या रीजनल ग्रुप के आधार पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। तो उसी को जो है कम करने के लिए किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जा सकता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नर ऑफ द स्टेट और द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरेटरी कैन डिक्लेयर द होल और पार्ट ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरेटरी एज अ डिस्टर्ब एरिया। तो जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट है या फिर अगर कोई यूनियन टेरेटरी है तो उसका एडमिनिस्ट्रेटर है वो किसी भी स्टेट या यूनियन टेरेटरी को या उसके किसी एक पार्ट को एक डिस्टर्ब एरिया घोषित कर सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि या तो पूरे स्टेट या यूनियन टेरेटरी को या फिर उसके किसी एक स्पेशल पार्ट को जो है डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जा सकता है और वहां पे जो है आपका आफ्सपा लगाया जा सकता है। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर वुड यूजुअली इन्फोर्स दिस एक्ट वेयर नेसेसरी। तो जो इसको इन्फोर्स करने का जो आपका जिम्मेदारी है वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की होती है। बट देयर हैव बीन एक्सेप्शन वेयर द सेंटर डिसाइडेड टू फॉरगो इट्स पावर एंड लीव द डिसीजन टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो कई सारे ऐसे ऐसे भी केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर छोड़ देती है और वो स्टेट पे छोड़ देती है कि स्टेट चाहे तो वहां पे आफ्सपा लगा सकते हैं। तो एक बार जब डिस्टर्ब्ड का टैग लग जाता है तो कोई भी रीजन जो है जो डिस्टर्ब्ड एरिया के अंदर आता है तो वहां पे 3 महीने के लिए जो है लगातार जो डिस्टर्ब्ड एरिया स्पेशल कोड 1976 का जो एक्ट है उसको लगा दिया जाता है। द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन सजेस्ट वेदर द एक्ट इज रिक्वायर्ड इन द स्टेट और नॉट। तो गवर्नमेंट जो है स्टेट की सजेस्ट भी कर सकती है कि वहाँ पे जो है जो एक्ट है उसको लगाना है कि नहीं लगाना है। अब देख लेते हैं कि जो वर्तमान में कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पे ये एक्ट लगा हुआ है आपका 1958। तो ये आपका जो है नागालैंड असम मणिपुर और जो आपका अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो नागालैंड और असम में तो ये काफी बड़े एरिया में लगा हुआ है लेकिन मणिपुर में जो आपका जो इम्फाल है कैपिटल उसकी 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़ दिया जाए तो पूरे मणिपुर में लगा हुआ है और फिर आपका कुछ पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश नागालैंड असम और मणिपुर 4 स्टेट में ये लगा हुआ है। तो ये जो आपका 1958 का एक्ट है इसमें कई सारी कॉन्ट्रोवर्सी भी हो चुकी है क्योंकि ये जो एक्ट है जो सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं या फिर जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं उनको बहुत ज्यादा एब्सोल्यूट पावर दे देती है। तो इसकी वजह से काफी सारी जो है वहां पे ह्यूमन राइट वॉयलेशन देखने को मिलते हैं। तो ये काफी बड़ा कंसर्न है। तो इसीलिए इस एक्ट को जो है कई सारी कमेटी ने रिकमेंड किया है कि इसको रिपील कर देना चाहिए जिसमें आपका जो बीपी जीवन रेड्डी कमेटी है जिसने इसको एग्जामिन किया था 2005 में तो उसने कहा था कि इसको जो है रिपील कर देना चाहिए। उसके अलावा जो वीरप्पा मोइली रिपोर्ट थी जो 2007 में आई थी सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के द्वारा उसने भी कहा था कि जो है इस एक्ट को रिपील कर देना चाहिए। तो काफी सारे इस एक्ट के जो है क्रिटिसिज्म में कई सारी कंट्रोवर्सी भी हो चुकी है। उसके अलावा जो आफ्सपा है वो कई सारे इंटरनेशनल जो डिक्लेरेशन उनको भी वायलेट करता है जैसे आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट हो गया। उसके अलावा इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट हो गया या फिर कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर हो गया जिसका इंडिया बेस्ड सिग्नेचरी है। तो इन सभी जो डिक्लेरेशन या फिर जो कन्वेंशन है वो जो है आफ्सपा की वजह से वॉयलेट होते हैं। तो ये भी जो है काफी बड़ा कंसर्न है। उसके अलावा जो है जस्टिस वर्मा कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी 2013 में और फिर जो जस्टिस हेगड़े कमीशन आया था 2013 में उन्होंने कहा था कि जो ये आफ्सपा है इसमें जो है काफी सारे क्राइम जो है क्राइम को जो है जन्म दिया है जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहां पे। तो ये भी काफी बड़ा कंसर्न है। तो ये सारे पॉइंट्स जो थे वो अगेंस्ट में थे। कुछ फेवर में पॉइंट देख लेते हैं। तो जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पे काफी सारी इंसर्जेंसी चलती रहती है। तो
तो उनको कम्बेट करने के लिए आर्मी के पास स्पेशल पावर होनी चाहिए, तो ये जो है इसके एक फेवर में है। उसके अलावा जो बॉर्डर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसके अलावा इन वर्लुएंट इंसर्जेंसी सिक्योरिटी कैन नॉट ऑपरेट विदाउट द कवर ऑफ द आफ्पा, तो अगर कोई इंसर्जेंसी कंडीशन आ जाए तो उस टाइम पे इनको एक स्पेशल कवर होना चाहिए यार, ताकि वो जो है वहां पे पीस को जो है मेंटेन कर पाए। तो ये जो है कुछ फेवर में पॉइंट्स थे, लेकिन ज्यादातर जो है इसके आपको अगेंस्ट में पॉइंट देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में हमने आफ्पा 1958 का जो एक्ट है उसके बारे में बात किया। आपको ध्यान में रखना है कौन कौन से स्टेट में ये लागू होता है, तो नागालैंड में, असम में, मणिपुर में, अगर इम्फाल को छोड़ दिया जाए, और कुछ पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस को देखना है तो आप हमारे चैनल एग्जाम सभा को विजिट करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल एग्जाम सभा को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।